केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को फिर बिहार पहुंच रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे और इस मौके पर अमित शाह उनकी जन्मस्थली सारण जिला में सिताब दियारा जाएंगे और वहां पे जेपी को श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इस दौरान भारत की तस्वीर भी पेश करेंगे। अमित शाह सारण जिले में आयोजित दो कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री के तौर पर सहकारिता से जुड़े सारण और आसपास की कई जिलों से पहुंचे किसानों को न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि जेपी जयंती के मौके पर सहकारिता विभाग के नए देशव्यापी स्कीम को भी लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी 23 और 24 सितंबर को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया था। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को ये बताया गया था कि सीमांचल का डेमोग्राफी काफी तेजी से बदल रहा है जिसकी वजह से हिंदुओं के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। इसके बाद अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वो हर महीने बिहार आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो महीने में दो बार भी वो बिहार का दौरा कर सकते हैं। अब 24 सितंबर के बाद 11 अक्टूबर यानी 20 दिन के पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूसरी बार बिहार दौरा तय किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू के लोकसभा सीट पर अमित शाह की नजर है। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल का दौरा पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत तैयार किया गया था। सीमांचल इलाके में बिहार के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज चार जिला शामिल हैं। इन सभी जिलों में मुस्लिम आबादी की संख्या काफी तेजी से बढ़ने की बात बीजेपी द्वारा कही जाती है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सीमांचल के इलाके के साथ साथ आसपास के कई जिलों में भी मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने की वजह से इलाके की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू को कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मुंगेर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, बांका, भागलपुर, झंझारपुर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, मधेपुरा, वाल्मीकि नगर और गया में जीत हासिल हुई थी। इनमें से कई ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दो महीने पहले ही एक बड़ी बैठक की थी जिसमें बीजेपी के मंत्रियों और बड़े नेताओं को 144 ऐसे लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिस सीट पर बीजेपी को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था या फिर उन सीटों पर बीजेपी कभी चुनाव जीत ही नहीं सकी है। 2019 में जेडीयू ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी की योजना है कि उन सीटों पर ही अच्छी पकड़ बनाई जाए। आपको बता दें कि एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट जीत कर नया इतिहास रचा था। 2019 में जेडीयू ने और भारतीय जनता पार्टी ने 17-17 और उस वक्त एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिनमें से बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 100% का स्ट्राइक चेक देते हुए 6 की 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में एनडीए ने जिस एकमात्र सीट पर पराजय का मुंह देखना पड़ा था वो सीट किशनगंज की थी जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने जेडीयू के कैंडिडेट को पराजित किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 53% वोट हासिल करने के साथ बिहार के 40 में से 39 सीटों पर कब्जा करने वाली एनडीए का स्वरूप बदल चुका है। 2014 में अकेले चुनाव लड़कर 2 सीटों पर सिमट चुके नीतीश कुमार ने 2019 में बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़कर अपने सांसदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 16 तक पहुँचा दिया। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। वहीं एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति का भी दो फाड़ हो चुका है। एक गुट का नेतृत्व दिवंगत रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं जिसके साथ 5 सांसद हैं। दूसरे खेमे का नेतृत्व रामविलास पासवान के सांसद बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।